सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसमें बात हो चुकी थी किसी बहुपद पर, बहुपद के मान पर। प्रश्नावली 2.3 आज शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हम पहले बता चुके हैं, दोबारा बता देते हैं क्योंकि अप्रैल में काफी चर्चा आई है। एक होती है शेषफल प्रमेय। क्या होती है? शेषफल। में लिखी हुई है, मैं यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। यदि किसी बहुपद को, बहुपद का नाम रख देते हैं पीएफ को, एक्स माइनस ए से क्या करें, भाग दिया जाए। यानी कुल मिलाकर ऐसी बात है कि पी एच एक बहुपद है, इसे हम भाग किससे कर रहे हैं, एक्स माइनस एक्स। तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा और कुछ ना कुछ शेषफल आएगा, क्यों? तो भागफल का नाम रख दो क्यू एक्स तथा शेषफल आर एक्स। शेषफल का नाम क्या रख दिया हमने? आर एक्स। शेषफल मतलब रिमाइंडर, भागफल मतलब क्वेश्चन। इसलिए हमें इसे क्यू से लिखना है, भागफल क्यू एक्स आ गया और शेषफल कितना आ गया आर एक्स। तो याद रखो जो शेषफल आता है वो शेषफल की जो घात होती है वो हमेशा इससे कम होगी जिससे भाग कर रहे हैं। जैसे दो से भाग करते हैं तो शेषफल एक आता है या जीरो आता है, तीन से भाग करते हैं तो शेषफल दो आता है, एक आता है या जीरो आता है। जब किसी संख्या से किसी संख्या को भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा उस संख्या से कम आता है, लेकिन जब बहुपद को बहुपद से भाग करते हैं तो जो शेषफल आता है उसकी घात बहुपद की घात से कम। हम जिसको भाग कर रहे हैं उसकी घात कितनी है? एक। तो शेषफल कितना आ रहा है? आर एक्स। इसकी घात कितनी होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए, ठीक है? तो जहां पे घात किसकी? आर एक्स बराबर होगी, बड़ी होगी जीरो से और छोटी होगी किससे? एक्स माइनस, ठीक है? या फिर इसे आप कह दीजिए भाजक, ठीक है? भाजक भी कह सकते, मतलब हर सवाल में बदल जाएगा ना भाग करने वाला। तो अगर आपने कुछ याद हो आपको, अगर हम मान लीजिए तीन से भाग करें 17 को, तीन पंजे 15 कितना बचा, तो हम 17 को लिख सकते हैं 3 × 5 भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस ये तो पढ़ा है हमने। तो अगर हम ये वाला जो प्रक्रिया है, जो सूत्र है, भाज्य बराबर यानी जिसको भाग किया जा रहा है वो बराबर होता है भाग करने वाला भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये प्रक्रिया यहाँ लगाए तो पी एक्स का मान कितना आ जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि भाज्य जो होता है वो बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बताओ यहाँ भाजक कौन है? भाजक कौन है? पी एक्स। भाजक कितना है? एक्स माइनस। भागफल कितना है? क्यू एक्स। प्लस शेषफल कितना है? आर एक्स, ठीक है? अब एक्स बराबर ए रखने पर, जैसे एक्स का मान ए रखते हैं, यहां एक्स ए कितना लिख देंगे? पी ए। पी ए क्या है? एक्स बराबर ए पर बहुपद पी एक्स का मान। कई दिनों से इसको बात चल रही है, ये आ जाएगा ए माइनस ए, क्योंकि एक्स की जगह क्या रखते हैं गुणा क्यू एक्स प्लस आर ए। आर ए क्या है? ये कब आया शेषफल? ये किससे भाग किया? एक्स माइनस। तो यहां से पी ए बराबर ए में से ए गया जीरो गुणा क्यू एक्स प्लस आर ए यानी शेषफल, तो कुल मिला के जीरो होगा। तो कुल मिला के पी ए का मान कितना आ गया? आर ए। आर ए मतलब क्या है? क्या है ये? इसका क्या मान है इससे हमें मतलब नहीं, इसका मान कुल मिला के शेषफल का मान क्या निकल के आ रहा है? पी। अतः अब हम शेषफल प्रमेय लिख रहा हूं मैं, यदि पी एक्स को इससे भाग करें एक्स माइनस ए से भाग
करें तो शेषफल जो आएगा, डायरेक्ट याद रख लीजिए, वो पी एक्स बहुपद का एक्स बराबर ए पर मान है। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा कैसे आसानी से लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं किताब में कि पी एक्स को अगर भाग किया जाए एक्स माइनस ए यदि, तो शेषफल जो आएगा आपके पास वो आएगा पी। इसी को थोड़ा सा हम बदल दें कि हम बहुपद को भाग करें किससे, एक्स प्लस ए, तो शेषफल कितना आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ प्लस होता तो मैं एक्स बराबर माइनस ही रखता, माइनस रखता, तभी तो माइनस से प्लस से जीरो होता। अब ए क्या है यहाँ पर, इस एक्स माइनस ए का शून्य, ए क्या है, एक्स माइनस ए है, तो एक्स माइनस ए में अगर ए एक्स की जगह ए रख रहा हूँ तो ए माइनस ए जीरो हो जाता है, तो एक्स बराबर ए क्या है, एक्स माइनस ए का शून्य। एक्स माइनस ए कौन है, भाजक, और भाजक कौन है इसमें, ये वो क्या रहा है, जो शेषफल आ रहा है वो भाजक के शून्य पर बहुपद का मान आ रहा है। बात अगर किसी बहुपद को हम किसी बहुपद से भाग कर रहे हैं तो जो बहुपद भाग कर रहा है यानी जो भाजक है उसका शून्य अगर हम निकालें और उसके शून्य पर हम बहुपद का मान निकाल दें तो वो क्या बन जाता है, शेषफल। ऐसे ही ये भाज्य है, ये भाजक है, तो इसका जो शेषफल आएगा भाग करने के बाद वो शेषफल क्या आना चाहिए, वो इस भाजक का शून्य, किसका शून्य क्या होगा, एक्स प्लस ए का माइनस ए, एक्स बराबर माइनस ए पर बहुपद का मान, और एक्स बराबर माइनस ए बहुपद का मान कितना होगा, है ना। ऐसे ही अगर पी एक्स को भाग करे कौन, ए एक्स प्लस बी, तो शेषफल, अब ये ए एक्स प्लस बी इस बार भाजक हो गया तो इसका शून्य ज्ञात करना है। तो कल मैंने एक मेथड बताया था जो परसों जो बच्चा है कि किसी बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को ही शून्य के बराबर रख लीजिए, और जैसे ही बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं एक समीकरण बन जाएगा, एक चर में समीकरण बन जाएगा, इसमें चर का मान निकाल दीजिए, ए एक्स ए प्लस बी का जाएगा कैसे हो जाएगा माइनस, तो माइनस भी हो जाएगी, और हमारा शेषफल कब निकलता है, जब हम जो भाजक है भाजक उस भाजक के शून्य पर किसका मान निकाल देते हैं, उस बहुपद का जिसको भाग दिया जा रहा है, उनके पास समझ में आ गया, आपको प्रयास करना है। ठीक है, अब हम सवाल की तरफ बढ़ते, पहले सवाल प्रश्नावली ऊपर लिख दिया मैंने 2.3, कह रहा है कि ये बहुपद है, चार मान दिए, सवाल पढ़िए, को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो, चार पार्ट दिए उसने, हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, पहला को किससे भाग करें, पहले पार्ट में एक्स प्लस से, क्या करना है हमें, शेषफल ये सवाल है, ध्यान से समझ लीजिए इसको, सबके समझ में आ रहा है, इसको x प्लस एक से भाग करने पर क्या याद करना है, समझ आ गया। तो पहले तो ये बहुपद ही दिखाई दे रहा, क्या करें, इसे बहुपद मान लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं, क्या नाम रखें इसका, क्या नाम रखते हैं बहुपद का, पी एक्स, तो हम मान लेते हैं कि माना
अब जिस बच्चे को ये वाली चारों बातें याद है उसके लिए सवाल कुछ नहीं कि हर बहुपद को पीएचसी मान लो। जो भाजक भाज्य होगा जिसको भाग कर रहे हैं उस भाज्य क्या माना जाएगा हमेशा पीएचसी। तो क्योंकि अब किससे भाग कर रहे हैं वो आप कहेंगे कि पीएच को किससे भाग कर रहे हैं तो शेष पर कितना आना चाहिए शेष पर आना चाहिए बराबर पी बहुपद का मान कहां पर इसके शून्य इसका शून्य कितना है अब रटाने वाला सिस्टम भी चलता है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको भी तो सवाल करना है। तो आज जब शेषफल निकालोगे तो x में जो जुड़ रहा है प्लस है तो माइनस है लिख दोगे माइनस है प्लस है ठीक है। और अगर x का गुणांक है तो जो जुड़ रहा है वो लिखो बटे जो भी x का गुणांक है वो लिखो। बात समझ आ रही है ये रटाने वाले सिस्टम होते हैं ये मेरे डिक्शनरी में नहीं है मैं इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता आप इसके अंदर उसके चीजों को समझने की कोशिश करो मुश्किल लगेगा शुरू में लेकिन एक बार जब समझ जाओगे तो आपका सवाल जीवन में कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में छोड़ो समझ आ रहा है शॉर्टकट के चक्कर मत पड़ना। अब शेषफल कितना आ गया पी माइनस है अब हमारा काम क्या था शेषफल याद करना कब जब हम बहुपद को किससे भाग कर रहे थे एक्स प्लस है ये करने के लिए हमें क्या निकालना है पी माइनस वन बस पी माइनस वन निकालना काम रहेगा कितना है बहुपद और बिल्कुल ऐसे ही इसके बाकी सारे पार्ट होंगे।